सज्जनों, राजा वीर विक्रमाजीत और खांडेराव परी, ये किस्सा आपकी सेवा में पेश है। किसी समय का जिक्र है कि उज्जैन नगर में राजा वीर विक्रमाजीत राज करते थे। वे एक प्रजापालक, उदार एवं न्यायप्रिय राजा थे। बड़े साहसी थे और बहादुरी व वीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार उनके राज्य में कुछ हंस उड़कर चले आए, क्योंकि जिस मानसरोवर ताल में वे रहते थे, बारिश न होने के कारण वह सूख गया था। अतः मोती, जो कि उनका मुख्य भोजन था, अब प्राप्त नहीं हो सका। तो उन्होंने राजा वीर विक्रमाजीत की उदारता की शोहरत सुनी थी। अतः हंस राजा विक्रमाजीत से आकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है, अतः कुछ समय के लिए हमें अपने तालाब या बाग बगीचे में शरण दे दीजिए। और हंस राजा विक्रमाजीत से क्या कहते हैं, हमारे देश में काल पड़ा न्यू, बहुत घने दुख पाए हो कहने लाचार, भूप हमें तेरी शरण में आए। हमारे देश में काल पड़ा न्यू, बहुत घने दुख पाए हो कहने लाचार, भूप हमें तेरी शरण में आए। हमारे देश में काल पड़ा की मारे राज में हुई मुसीबत भारी, इंदर ने बारिश बंद कर दी, न्यू धन की घनी हारी। धरती माता धन ना देती, धन बिन के सौकारी, बिन बारिश ना अनबिंद मोती, न्यू करके लाचारी। आए गए अतिथि की सेवा, आए गए अतिथि की सेवा करते आप बताए, हो कहने लाचार, भूख हमें तेरी शरण में आए। हमारे देश में काल पड़ा, तेरे राज में आए से हम थोड़ ठिकाना टोके, अपने देश में पेट भरन से हाथ बैठ के धोके। तेरे नगर में आए पाछे जाग लिए हम सोके, भूख प्यास में बच्चे मारे दुखी हो लिए रोके। कई रोज के भूखे सेना, कई रोज के भूखे सेना अनबिंद मोती खाए, हो कहने लाचार, भूख हमें
आशा करके तेरे राज की हमने सुरती लाई। कर दे न इंतजाम खान का हो जा मन की चाही। तू प्रतापी जीव जगत में लेता रह भलाई। औरा का दुख बटन यारा सबने बात बताई। औरा का दुख सर ओटनिया औरा का दुख सर ओटनिया। हाँ विक्रमाजीत बतलाए होके मैं लाचार हो पे हमें तेरी शरण में आए। हमारे देश में काल पड़ा काज तुम राज काज सब प्रेम से करते ना प्रजा को दुख देते हो। सुरपुर में तेरा नाम लिखा जा जगत भलाई लेते हो। हंसी खुशी तुम प्रेम के जल में अपनी तबीयत भेजते हो। दुनिया के सुख देकर न तुम सारे दुख ने खेते हो। मांग राम तुम जुग जुग जियो मांग राम तुम जुग जुग जियो। तन मारे प्राण बचाए विक्रमाजीत एक दयावान और परोपकारी राजा था। अतः हंसों से कहता है कि श्रीमान मैं तो प्रजा का सेवक हूं और आए गए अतिथि की सेवा करके तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं और फिर शरणागत के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं आपका स्वागत करता हूं। यह सब राजपाट आपकी सेवा के लिए ही है। मैं आपके लिए रहने का आपके खाने पीने का यथाशक्ति पूरा प्रबंध करूंगा। और इस प्रकार राजा विक्रमाजीत खुद को हंसों के ताबेदार पेश करता हुआ क्या कहता है। मैं के सर पे धर जासू यो राजपाट से थारा आए गए अतिथि खातर खुला रहे भंडारा। छत्ता कोना एक रूस जात जगह दूसरी पे के
तेरा पता कोना, कोई समझे ते प्रजा और राजा कैसा नाता कोना, अपने कर्म का खा जग में कोई अनका दाता कोना, दस आवे दस जाया करे नूहे, दस आवे दस जाया करे नूहे, रोज पड़ा रह लारा थारे पूज चरण दो, मेरे राज में घटाना कोना कष्ट भरण दू, दूध और मोती मिले खान ने भूखे नहीं मरण दो, हरी तिरसना मिटूंगा, हरी तिरसना मिटूंगा, चाहे लाना पड़ो उदारा, आए गए अति देखा कर खुला रहे भंडारा, मैं केसर पे धर रासूं यो राजपाट से थारा, आए गए अति देखा कर खुला रहे भंडारा। पावे उड़े लंबे बांस खड़े से, जाके देखो हंसा बिन मारे सुनने ताल पड़े से, अष्ट धात की पैड़ी जिन पे हीरे लाल जड़े से, मोर पपिये कोयल से थारा, मोर पपिये कोयल से थारा, बने ठिकाना नारा, आए गए अतिथि खातर बुला रहे भंडारा, मैं केसर पे धरला सुयो राजपाट से थारा, आए गए अतिथि खातर बुला रहे भंडारा। तम मौज करो थारा जब तक पानी दाना, दोनों बक्ता मिलेगा तुमने जो हंसा का खाना, जो रह जा कुछ कसर बात में गुलाम ने समझाना, इच्छा हो तम जब तक रहना जी चावे जब जाना, मंग राम कह थारे करम दे, मंग राम कह थारे करम दे, के काम चल रहा मारा, आए गए अतिथि खातर खुला रहे भंडारा, मैं केसर
इस प्रकार से हंसों ने राजा विक्रमाजीत के राज्य में 12 साल आनंद से बिताए। हंसों के देश में अब तो बारिश भी हो गई थी, अतः अब वे वापिस अपने देश जाना चाहते थे, और इसलिए वे राजा विक्रमाजीत से निवेदन करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद करके और फिर वापिस जाने की इजाजत मांगते हैं। तो कर्तव्य परायण धर्मनिष्ठ राजा पुनः हंसों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता है कि अतिथि गण, आपकी सेवा भाव में मुझसे जो कमियां रह गई हूँ उनके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं तो प्रशंसा के काबिल नहीं हूँ। और इस प्रकार से विनम्र स्वभाव का राजा हंसों से क्षमा मांगता हुआ क्या कहता है, रहगी हो कसर खान में मत ना किते बतइयो कच्ची पक्की बाता की मने माफी दे के जइयो। कसर खान में मत ना किते बतइयो कच्ची पक्की बाता की मने माफी दे के जइयो। अलग छान के धर दो सुख पाए होते सच्ची कह के मेरा पेट भरे दो। अरे रहन की कदे कित जाके बदनामी सर धर दो मैं इस लायक को ना सू कदे मेरी बड़ाई करे दो। नायक कोना तले मेरी बड़ाई करे दो प्रेम भावते फेटन खातर फेर कदे दियो कच्ची पक्की बाता की मन माफी देख जइयो। कसर खान में मत ना किते बतइयो कच्ची पक्की बाता की मन माफी देख जइयो। लेकिन हंस कहते हैं कि महाराज, आपके यहाँ 12 साल तक रहकर हमने जो सुख आनंद प्राप्त किया उसको तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम तो आपको जिंदगी भर दुआ ही देते रहेंगे। और हंस राजा से क्या कहते हैं, हाँ 12 साल तक तेरे राज में सुख बड़ा पाया हमने, नहावन खातर ताल बगीचे मिलगी छाया हमने, भोजन मिला खान की खातर ना दुख ठाया हमने, सुबह शाम 24 घंटे गुण तेरा गाया हमने, सुबह शाम 24 घंटे गुण तेरा गाया हमने, जुग जुग जियो राजा जी तुम जुग जुग जियो राजा जी तुम सदा सदा सुख पइयो कच्ची प
पकी बाता की मने माफी देख जाइयो जरेगी हो कसर खान में मदना की त बताइयो कच्ची पक्की बाता की मने माफी देख जाइयो करा करूं सूं बुरे कर्म और बदनामी ते हर दम डरा करूं सूं जो कह दूं ना बचना ते मैं हर गज फिरा करूं सूं अतिथि के चरणा में सर अपना धरा करूं सूं अतिथि के चरणा जो बनगी सो ठीक बनी मत मेरी बड़ाई गई हो कच्ची पक्की बाता की मने माफी देख जाइयो जरेगी हो कसर खान में मतना कित बताइयो कच्ची पक्की बाता की मने माफी देख जाइयो। राजा तो हंसों को यानी कि अपने अतिथियों को विदा के समय कुछ द्रवित मन से अपनी सेवा भाव की कमी को नजरअंदाज करने की कहता है, लेकिन हंस तो बार बार प्रार्थना करके उनके एहसान के बोझ के नीचे दबे होने की बात कैसे कहते हैं। हाँ इसे कर्म का इस दुनिया में खुद प्रकाश रहे से भगवान दाता की जग में सबने आस रहे से हर के धर्म धजा थारी थरे माया पास रहे से प्रजा का हितकारी राजा सुरग में बास रहे से प्रजा का हितकारी राजा सुरग में बास रहे से मांगे राम के फलो फूलो तुम हर दम दुधो नहीं हो कच्ची पक्की बाता की मने माफी देख जाइयो जरेगी हो कसर खान में मतना किते बताइयो कच्ची पक्की बाता की मने माफी देख जाइयो। लेकिन हंस राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज, हमने तो 12 साल आपके राज में सुखपूर्वक व्यतीत किए हैं, अतः हम आपके इतने एहसान बंद हैं कि आपका उपकार तो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। आपने तो हमें जीवन दान दिया है, किसी गलती की क्षमा तो हम ही आपसे मांगेंगे और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके नाम की शोहरत इस भूमंडल पर युगों युगों तक छाई रहे, आपके राज में अन्न धन के भंडार भरे रहे। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न व स्वस्थ रखे। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करते हुए हंस क्या कहते हैं।
वीर विक्रमा तू भी मारे मान सरोवर के साताल अनधन के भंडार भरो थर मौज उड़ाई बारह साल वीर विक्रमा तू भी मारे मान सरोवर के साताल अनधन के भंडार भरो थर मौज उड़ाई बारह साल वीर विक्रमा तू भी मारे मान सरोवर के साताल खान ने बेटे जितना प्यार करया अधम बिचारे नाव डूबरी बेड़ा परले पार करया जो कुछ मांगा सो मिल गया कदे नहीं इनकार करया जो कुछ मांगा सो मिल गया कदे नहीं इनकार करया जैसा सुनिया था वैसा पाया जैसा सुनिया था वैसा पाया वो है रंगंग बाहे चाल अनधन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई बारह साल भरना भूल सके तन टोटे के मजाच लिए पाप पुण्य धरे नरजे पे नारे नारे छाटिए तू कृष्ण हम भगत सुदामा दूर दिल दर काट लिए गैरा के दुख दूर करनिया मारे भी दुख बांट लिए गैरा के दुख दूर करनिया मारे भी दुख बांट लिए कृष्ण जैसी करूं बड़ाई कृष्ण जैसी करूं बड़ाई गोद खिलाया गंधर्व के लाल अनधन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई बारह साल वीर विक्रमा तू भी मारे मान सरोवर के साताल निभाए दूर की भरदी पीसन बस्ती दुनिया तक रखेगा निराकार जगदीश तन इंद्रपुरी तक कहते जाने राजा विश्व बीस तन इंद्रपुरी तक कहते जाने राजा विश्व बीस तन दुदा नहींयो पुता फलियो खूब करी मारी प्रतिपाल अंधन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई बारह साल वीर विक्रमा तो भी मारी मान सरोवर के साताल
राम राम और जय नमस्ते, जय सीता जय राधे श्याम। पूरब कालिया पकड़ रास्ता, स्वर्गपुरी इंदर का धाम। फर फर कर के चाले हंसा, ना रस्ते में आए गाम। तातर न के गाने हो रे, जड़ में बैठे मांगे राम। ओए पातर न के गाने हो रे, जड़ में बैठे मांगे राम। विश्व बीस का नाम सुनिया ते, विश्व बीस का नाम सुनिया ते। गरज पड़ा इंदर भोपाल, अंधन के भंडार भरो थारे। मौज उड़ाई बारह साल, वीर विक्रमा तो भी मारे। मान सरोवर के साताल, प्रेमियों राजा का धन्यवाद करके हंस गगन के रास्ते से स्वर्गपुरी इंद्रलोक से होकर वीर विक्रमाजीत की प्रशंसा करते हुए उसका गुणगान करते हुए गीत गाते हुए जा रहे थे। हंसों के द्वारा विक्रमाजीत की बड़ाई की आवाज इंद्र महाराज ने सुन ली तो इंद्र महाराज एकदम नाराज और गुस्से में आ गए। तुरंत अपने दूत को वाहन के द्वारा भेजकर हंसों को रास्ते में से ही वापस बुला लिया और फिर उनसे सवाल किया कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूं और पृथ्वी पर मेरे से बढ़कर प्रतापी राजा कौन है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, और यदि वह मेरे से बढ़कर योद्धा प्रतापी तेजस्वी मायाधारी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी एक हंसनी छीन लेता हूं और तुम जाकर उस अपने महाबली राजा विक्रमादित्य से जाकर ये कह दो कि हमारी हंसनी को इंद्र महाराज से वापिस दिलवा दो। और इस प्रकार राजा इंद्र ने हंसों की हंसनी छीन ली और फिर हंसों से क्या कहा। कह दू ले छुटा हंसनी धारी, छुटा हंसनी धारी। धोरे के शिक्षा ज्ञान भूख से भीड़ पड़ी मैं ले लिया होगा खान और पान भूख से। मेरे सामी आवत देखूं किसा बलवान भूख से, मेरे सामी आवत देखूं किसा बलवान भूख से।
क्या कह कह दूने छुट्टा हंसनी थारी छुट्टा हंसनी थारी गोविंद जय बढ़ के हो गया राजा माया धारी धारी उस विश्व विश ते जा कह कह दूने छुट्टा हंसनी थारी आवेगा लड़न भिड़न में बल देखूंगा उसका बाण और विद्या किसी जानता मैं छल देखूंगा उसका कितना सच्चा कितना झूठा जल देखूंगा उसका किसा लड़का शूरवीर से मैं जल देखूंगा उसका किसा लड़का शोर बेर मैं दिल देखूंगा उसका उस ते कह दू लड़न भिड़न की उस ते कह दो लड़न भिड़न की करके आ जा चारी उस विश्व विश से जाके के दूले छुट्टा हंसनी थारी छुट्टा हंसनी थारी गोविंद जय बढ़ के हो गया राजा माया धारी धारी उस विश्व विश से जाके के दूले छुट्टा हंसनी दिन और रात का फर्क बताए कित कीड़ी कित हाथी इंद्रपुरी का देवता वो एक मनुष्य की जाति विश्व बीस बताओ उसने शर्म कती ना आती बेसकते बुलवालो ने मैं देखूं थारा ही माती बेसकते बुलवालो ने हंसणी ने छुट्टा बने आजा हंसणी ने छुट्टा बने आजा लेके नगन कटारी कटारी उस विश्व विश ते जाके के दूने छुट्टा हंसणी थारी छुट्टा हंसणी थारी चाले वीर विक्रमा जीत भूप खुद ताकत ने अजमाने हरगिज नहीं हंसनी दू चाहे तीसो तीर चला ले मन राम ही माती तेरा बेसकते बुलवा ले मन
रानी माती तेरा बेसकत बुलवानी आ गया ते मैं एक मिनट में आ गया ते मैं एक मिनट में बोर काट दूं सारी रे सारी उस बिस्वे बिस्ते जाके कह दूं ते छुटा हंसनी थारी छुटा हंसनी थारी राजा इंद्र ने तो हंसों से एक हंसनी छीन ली और हंसों ने सोचा कि हम 12 वर्ष तक तो राजा विक्रमादित्य को परेशान करके आ ही रहे हैं और यदि इस बात को फिर जाकर हम उससे कहेंगे तो उदार चित्त राजा हमारी वजह से भारी उलझन में पड़ जाएगा। अतः इस विचार से हंस राजा इंद्र से ही प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप तो स्वर्ग के राजा हैं, आप रहम दिल हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। बड़ों को तो गुस्सा शोभा भी नहीं देता है, हम निर्बलों को माफ कर हमें हमारी हंसनी वापिस लौटा दीजिए। और किस प्रकार से हंस राजा इंद्र से क्या प्रार्थना करते हैं का वो पे पति तू सब ते बड़ा बडेरा मरी हंसनी दे देने हम गुण भूलने न तेरा। इंद्रलोक का वो पे पति तू सब ते बड़ा बडेरा मारी हंसनी देते ने हमें गुण बोले न तेरा। से का खोट करा हम जाते राही राही हे महाराज आपकी खतर कोना करी बुराई उसकी महिमा गावे थे हम जिसने करी भलाई जिसका अनपानी खा मानस उसकी करे बड़ाई हाँ उसकी करे बड़ाई। थरी नाराज होने का हमने थरी नाराज होने का हमने कति नहीं था बेरा हमारी हंसनी सब ते बड़ा बडेरा मारी हंसनी दे देन हमें गुण बोले न तेरा। दुनिया
के मैं दुनिया के मैं आपस में प्रेम प्यार भी हो से भीड़ पड़ी मैं साथ देनिया सही यार भी हो से मतलब खतर आपस के मां कारोबार भी हो से दे सकते हम पक्षी से परे समझदार भी हो से हाँ समझदार भी हो से ज्ञान सतोगुण के कारण हाँ ज्ञान सतोगुण के कारण ओ दिल का दूरी अंधेरा तारी हंसनी दे देन हमें गुण भोले न तेरा इंद्र लोक का भूप पति को सबसे बड़ा बड़ेरा लगा हुआ दाग मुश्किल ते धोया जासे उसा काटना पड़ जासे जिसा पाछे बोया जासे जब तक ना मिले मारी हंसनी के सुख ते सोया जासे रो रो के हम हार लिए नू कब तक रोया जासे हाँ कब तक रोया जासे हरे राज में कर्मा कर के हरे राज में कर्मा कर के लग्या से मारा तेरा मारी हंसनी के दिन हमें गुण भूले तेरा सबसे बड़ा बड़ेरा हरी हंसनी दे देन हमें गुण बोले न तेरा इसी करी से कार तने दे देगा देश उलाने हाँ जिसा नाम थारा इंद्र देवता को ना उतने शाने हिरदा को ना लर्जा से हमने खूब बजा लिए ताने कर कर याद रोते होंगे मारे बच्चे जाने हाँ मारे बच्चे जाने मंग राम कह दिन ताने ते मंग राम कह दिन ताने ते तुम्हारी हंसनी ले रा तुम्हारी हंसनी दे देन हमें गुण भोले न तेरा पति तू सबसे बड़ा बड़ेरा हरी हंसनी दे देन हमें गुण बोले न तेरा हंस बार बार राजा इंद्र से प्रार्थना करके अपनी हंसनी वापिस मांगते रहे लेकिन महाराज इंद्र तो उनकी प्रार्थना पर जरा भी विनम्र नहीं हुए कहने लगे कि नहीं खामोश
आप जिसकी बड़ाई करते हुए जा रहे थे जाकर उसे बता दो, वह स्वयं तुम्हारी हंसनी वापिस ले जाएगा। तो प्रेमियों, हंस वापिस उज्जैन नगर में जाकर राजा विक्रमादित्य के सम्मुख रोने लगे और अपने साथ में राजा इंद्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में क्या बताते हैं। जिस कारण हम उल्टे आए, ईब बता दे सारी तेरी बड़ाई करते जाते, लिखोस हंसनी मारी। जिस कारण हम उलटे आए, ईब बता दे सारी हो, तेरी हटाई करते जाते, लिखोस हंसनी मारी। जिस कारण हम उलटे आए, बताज सारी। अपना सफर काटते जाते आपस में बतला के, विक्रमादित्य से विश्व विष हम यूं कह रहे थे गा के, इंद्र राजन आके मारी खुशी दिल की प्यारी। जिस कारण हम उलटे आए, ईब बता दे सारी। बात भली ना दम लिकड़न ने हो रहा से आ करड़ी चोट झीली ना, उस आगे मारी पे चली ना, उस आगे मारी पे चली ना, हम रोए दे किलकारी। जिस कारण हम उलझे आए, ईब बता दे सारी। पाले के हाथ लवा दे, दिन और रात नींद ना आवे, मन सुख ते फेर सुवा दे, मेरी हंसनी चाल दुआ दे, शरण लई से थारी। जिस कारण हम उलझे आए, ईब बता दे सारी। बैठा बेहोशी हम ही ने वो जबर देवता झिंगताने ते खोशी, गणे दिना की पाड़ी पोसी मेरी उजड़ी के सर क्यारी। जिस कारण हम उलझे आए, जीव बता दे सारी। प्रेमियों,
खांडे राव परी के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागिनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।